वोल्टेज के उतार चढ़ाव का नुकसान शहर वासियों को उठाना पड़ रहा है। बीती रात शहर के महालक्ष्मी नगर में वोल्टेज का इतना ज्यादा उतार चढ़ाव हुआ कि कई घरों के इलेक्ट्रॉनिक सामान जल गए। करंट ने लोगों को लाखों के नुकसान का झटका दिया है। रमजान का तीसरा आसरा पूरा होने को है और ईद का दिन नजदीक आ रहा है। इसी को लेकर मुस्लिम बाहुल्य बस्तियों में देर रात तक रौनक देखी जा सकती है। ईद को मीठी बनाने के लिए जहां शीर खुरमा तैयार किया जा रहा है, वहीं कपड़ों और जूतों की दुकानों पर भी देर रात तक भीड़ उमड़ रही है। परदेसीपुरा स्थित श्री रानी शक्ति धाम शांति कुंज पर सोमवार रात रानी सती महोत्सव मनाया गया। कटकटपुरा के रहने वाले मुस्लिम समाज के युवक ईद की खुशियां नहीं मनाएंगे। युवकों ने यह फैसला शहर में पिछले दिनों हुए मकान गिरने वाले हादसे में 5 लोगों की मौत के मद्देनजर लिया है। इंदौर कलेक्टर महापौर भले ही शहर को पशु मुक्त बनाने के प्रयास कर रहे हों, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। देखने में आ रहा है कि पशुपालक सरकारी मशीनरी पर भारी पड़ रहे हैं। सोमवार को पशुपालक अपने पकड़े गए पशुओं को चाकू की नोक पर निगम परिसर से ही छुड़वा कर ले गए। सोनी ज्वेलर्स और कृष्णा डायमंड की डीलरशिप को 1 बरस पूरा हो गया है। इस मौके पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंजीनियरिंग के 3 छात्रों को एक प्रॉपर्टी व्यवसायी और उनसे जुड़े लोगों ने हमला कर घायल कर दिया। घायलों में एक छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है। आरोपी पक्ष एक मंत्री से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण पुलिस पहले मामला दर्ज नहीं कर रही थी। बाद में वरिष्ठ अफसरों ने हस्तक्षेप किया तो आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हो गया। चंद्रनगर पुलिस ने एक भूमाफिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने लोगों को फर्जी तरीके से प्लॉट बेचकर लाखों रुपए वसूल लिए थे। आरोपी के बारे में लोगों ने कलेक्टर की जनसुनवाई में शिकायत की थी। वह बाद में चंद्रनगर थाने में 14 पीड़ितों ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था। और इधर मुसाखेड़ी क्षेत्र में रात को एक गुमटी में आग लगी। आगजनी में हजारों रुपयों का नुकसान हुआ है। BRTS प्रोजेक्ट के कार्य के दौरान 2 मजदूर करंट लगने से घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बनी हुई है। नगर में हाल ही में बारिश ने शहर की सड़कों के निर्माण की पोल खोल कर रख दी है। नगर की अमूमन सभी सड़कें जो डामर की बनी है वे गड्ढों में तब्दील हो गई है। सड़कों पर वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी खतरों से खाली नहीं है। BTV न्यूज ने ऐसे ही कुछ सड़कों को अपने कैमरे में कैद किया तो निर्माण कार्यों की हकीकत सामने आ गई। बारिश के पानी ने अब शहरवासियों का जीना मुहाल कर दिया है। लगातार गिर रहे पानी के चलते शहर की कई निचली बस्ती व पाश कॉलोनी में अधिकांश घरों में पिछले कई दिनों से बारिश व ड्रेनेज का पानी निरंतर बह रहा है, जिसके चलते ही वहां के लोग अपने घरों को छोड़कर अन्य स्थान पर रहने चले गए हैं। रहवासियों का कहना है कि उन्होंने निगम के जोन पर कई दफे लिखित शिकायत की, मगर समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। झमाझम बारिश ने जहां लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ बीमारियों के दोबारा रफ्तार पकड़ने से स्वास्थ्य विभाग सकपकाया हुआ है। खातेपुरा में एक 3 मंजिला खतरनाक मकान के गिरने और उसमें दबकर 5 लोगों की मौत हो जाने के बाद निगम के अमले ने खतरनाक मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई को तेज कर दिया है। निगम ने शहर में स्थित 2 और खतरनाक मकानों को सोमवार को गिराने का काम किया। निगम ने जिन मकानों को तोड़ा वे दोनों मकान 3-3 मंजिला बने हुए थे। नगर निगम ने हाईकोर्ट की फटकार के बाद वार्डो में विशेष सफाई अभियान चला रखा है। निगम के इस अभियान में हर दिन कोई न कोई रोचक मामले सामने आ रहे हैं। उषागंज छावनी में जब निगम के कर्मचारी चेंबरों की सफाई करते हुए आगे बढ़ रहे थे, उन्हें एक चेंबर ऐसा मिला जिस पर पक्का मकान बना हुआ था।